हाय गाइस वेलकम बैक टू डे 15 ऑफ द 45 डेज चैलेंज तो पंद्रहवें दिन पहुंच गए हैं और पंद्रह दिन काफी ज्यादा एक नंबर होता है कि 15 डेज से आप लगे हुए हो मेहनत कर रहे हो कंसिस्टेंट हो और जो बच्चे एक्चुअली जेनवनली दिल से फॉलो कर रहे हैं ना पंद्रह दिन से डेफिनेटली तुम्हें सक्सेस जरूर मिलेगी आई प्रोमिस यू दैट तुम मेहनत करते हुए चलो और ऐसे ही आगे के कुछ दिन और थोड़ी सी हिम्मत रखो और थोड़े से स्ट्रांग बनो और ऐसे ही मेहनत करते हुए और जो लोग बीच में डगमगा गए हैं एक दो दिन भूल गए हैं टारगेट करना या फिर थोड़े दिन से नहीं कर पा रहे हैं वो भी वापस से खड़े हो और फिर से खड़े होकर वही जोश के साथ दोबारा से स्टार्ट करो तो आज का जो मोटिवेशन है डेली डोज ऑफ मोटिवेशन जो आज का है आपका दैट इज वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट द सक्सेस मेक द नॉइज तो ये मैं अपने ऊपर अपना भी एक एग्जाम्पल तुम्हें दूंगी कि जब मैंने ड्रॉप लिया था या जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो सारे जितने भी लोग थे मेरे आसपास के वो यही मुझे कहते थे कि आ, अरे एक बार नहीं हुआ तो दोबारा कैसे होगा और तेरे जैसे तो बहुत बच्चे हैं अगर उनको देखो उनको उन्होंने तीन तीन साल ड्रॉप लिया फिर भी उनका नहीं हुआ अभी भी वो प्राइवेट से कर रहे हैं बी कर रहे हैं बट उस टाइम पर मैं ये नहीं सोचती थी कि मुझे इन्हें कुछ आंसर देना है मैं चुपचाप बस सुनती रहती थी सुनती रहती थी और मेहनत करती रहती थी और जब मेरा रिजल्ट आया तो वही सब लोगों ने आके मेरी तारीफ की वही सब लोग आज सबको एग्जाम्पल देते हैं मेरा और बोलते हैं कि देखो वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है तुम्हें भी वैसा बनना है तुम उससे कुछ इंस्पिरेशन लो तो आपको मेहनत करते हुए चलना है बहुत सारे नेगेटिव थाट्स आएंगे ऐसे ही दिमाग में होगा सिलेक्शन नहीं होगा बट वर्क हार्ड इन साइलेंस और आपका जो रिजल्ट है ना दैट विल मेक द नॉइस साथ ही मैं आज आपको बताऊंगी टारगेट फॉर डे फिफ्टीन तो फिफ्टींथ डे पे आपको क्या करना है तो हम लोग जीओसी स्टार्ट करने वाले हैं तो पार्ट आपको आज करना है दो दिन दूंगी मैं के लिए तो आज एक दिन है उसका साथ में आपको इकोलॉजी चैप्टर टू करना है और फिजिक्स में आप थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर करेंगे तो ये आपका एक दिन का टारगेट है एंड आई होप आप अच्छे से मेहनत करोगे कंप्लीट करोगे और मुझे कल आप टारगेट अचीव्ड का कमेंट जरूर करोगे सीओ गाइस नंबर सिक्सटीन